हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं गर्ल VFX, इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। यदि आप भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। और इस वीडियो पर मैं देख रहा हूँ 3 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टिकटॉक एप्लीकेशन से भी इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद सिंपल आपको टिकटॉक एप्लीकेशन ओपन करना है। ओपन करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको उस लिंक पर क्लिक करना था। मैंने उस वीडियो को लाइक करके रख चुका हूँ, तो सिंपल मैं उस वीडियो को ओपन कर लेता हूँ। और इस वीडियो पर देख भी सकते हो 1 मिलियन व्यूज आ चुका है और 100K के आसपास लाइक्स आ चुका है। तो सिंपल आपको करना क्या है, तो ध्यान रखना है, सिंपल आपको शेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डू इट पे, सिंपल आपको डू इट पे क्लिक कर देना है। डू इट पे क्लिक करने के बाद कैमरा को आपको सही तरह से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो शूट करना है या फिर यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे टाइमर सेट कर देता हूँ, इसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइमर पर क्लिक करता हूँ, इस टाइमर को मैं 3 सेकेंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं सिंपल आपको कुछ इस तरह से रिएक्शन कर वीडियो को शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन दिख रहा है, टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका टिकटॉक का यूजर आईडी है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, यानी कि टाइप कर लेता है। सिंपल मैं करता हूँ @TechnicalShailendra आपको लिख देता हूँ। तो सिंपल मैं देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हूँ @TechnicalShailendra। इसके बाद कुछ इस तरह से ए पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है तो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ हो चुका है, इस तरह से आपको डन करना है। डन करने के बाद इस दोनों फिंगर से आपको इसको इस तरह से हल्का छोटा कर देना है, ठीक है। दोनों फिंगर से पकड़ना है और कुछ इस तरह से रोटेट करके एडजस्ट कर देना है, ठीक है, इस पर कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आपको फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और आपको सिंपल यहाँ से आपको यहाँ से प्ले कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्ले कर दिया हूँ। जैसे कि आपको देखना है इसको आपको कहाँ तक रखना है, तो आपको वॉइस सुन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्ले करेंगे तो यहीं तक हमें रखना है, तो सिंपल इस पर प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर देना। आपको यहाँ पे 1 से 2 बार प्ले कर देख लेना है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको हैंड का इशारा भी देख सकते हैं इस पोजिशन में आपको करना है। इसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है, अब वीडियो प्ले होगा तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के वीडियो आप टिकटॉक एप्लीकेशन से भी बना सकते हैं और इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ रहे हैं। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको फेस पे रिएक्शन होना चाहिए, तभी आपके वीडियो पे लाइक चेंज व्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर लेना है। तो सिंपल आपको सबसे पहले फर्स्ट ट्रेंडिंग हैशटैग यूज कर लेता हूँ, सेकेंड पे हम ट्रेंडिंग यूज कर लेता हूँ, थर्ड नंबर पर यहाँ पर मैं फॉर यू पेज यूज कर लेता हूँ और हैशटैग मैं खुद का ना बना रखा होता है, यहाँ पर टेक्निकल सैलेंड यूज कर लेता हूँ। इसके बाद सेलेक्ट कवर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है मैं बता देता हूँ, जहाँ पे आपको नाम जो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद डन करना है। इसके बाद सिंपल यहाँ से हमें पोस्ट कर देना है। हमारा वीडियो फाइनली तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पर वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।